Pathy Maliwal finally breaking her silence for the first time since that alleged assault took place on the 13th of May at the Delhi Chief Minister's residence. She's made some very sensational allegations of being brutally assaulted, allegedly, by the Chief Minister's closest aide, Bibhav Kumar. She also alleges and charges the Aam Aadmi Party with having deleted some crucial 8 minutes of footage of the alleged assault as it took place. So she's made some very sensational charges. The Aam Aadmi Party is keeping mum for the moment. Here are excerpts from that explosive interview. 10 days of twists, turns and missing evidence. The victim of an alleged assault at Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, Swati Maliwal, has spoken out, detailing the horror that unfolded on May 13th. उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा. The Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP claims evidence tampering by accused Kejriwal aide Bibhav Kumar. विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया. तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले जो बाद में हमने देख एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा. Maliwal made another big charge that Bibhav is Kejriwal's closest razdar. अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं. वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है. द फॉर्मर DCW चीफ स्लैम्ड आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह फॉर विथड्रॉइंग हिज सपोर्ट. संजय सिंह जी आए थे मेरे घर पे, उन्होंने मेरा हाल देखा, उन्होंने देखा कि जो लड़की एक फाइटर है हमेशा, आज वो एक विक्टिम बन गई. वो अरविंद जी के घर पे भी गए, उन्होंने विभव से भी बातचीत करी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया. Maliwal claims she is being mercilessly trolled and even her family hasn't been spared. मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला, यहाँ तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने, तो उनकी गाड़ियों की डिटेल्स भी फ्लैश करे गए. हद कर दी, मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फोटो दो. While the Aam Aadmi Party neta did not blame Kejriwal directly, she claims he was at home at the time of the assault. Chief Minister Kejriwal, however, has refused to name or address Maliwal in public. अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, so मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा because जो भी मैं टिप्पणी करूंगा उसको उधेड़ के वो it will affect the proceedings. But facts मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. With Delhi police stepping up probe, will the Maliwal assault row impact Aam Aadmi Party's poll push? Bureau report, India Today.